सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बिग बॉस के घर में हर रोज कोई नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। घरवाले एक दूसरे के पीछे लगने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बार लक्जरी बजट टास्क के लिए घरवालों ने राजा रानी का टास्क खेला और जिन्हें अपना टारगेट बनाना था उससे जमकर पंगे लिए। इस टास्क में जहां हितेन घर के राजा बने थे तो वहीं शिल्पा शिंदे और अर्शी खान रानियां बनी थी। घर के बाकी सदस्य प्रजा बने हुए थे जिनको राजा और रानी की सेवा करनी थी। इस टास्क का फायदा उठाते हुए एक तरफ जहां शिल्पा विकास से घर का हर काम कराती नजर आई तो वहीं अर्शी ने सपना चौधरी पर अपना राज चलाने की कोशिश की। उन्होंने राजा हितेन से कहा कि प्रजा सपना उनका पैर दबाकर उन्हें आराम दे। रानी की बात तो राजा को सुननी थी तो हितेन ने भी सपना को आदेश दिया कि वो अर्शी के पैर दबाए। इस बात को सुनते ही सपना गुस्से से तिल मिलाने लगी और अर्शी को बुरा भला कहने लगी। उसने अर्शी को बेहुदा औरत कहकर बुलाया और कई अपशब्द कहे। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उसने ऑन कैमरा अर्शी को गला दबाने की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि जैसे ही हितेन ने सपना से रानी अर्शी के पैर दबाने को कहा तो उसने साफ कहा कि मैं तो इसका गला दबा दूंगी। पिछले 2-3 दिनों से सपना में खासा बदलाव नजर आ रहा है। जुबेर के घर से जाने के बाद अब वो घर में ऊंची आवाज में बात करती नजर आ रही है। सलमान के बोलने के बाद से अर्शी ने फिलहाल अपनी नौटंकियों पर थोड़ी रोक लगाई है। हालांकि वो चुपचाप से अपने टारगेट पर हमला बोल देती हैं। शिल्पा भी विकास पर पूरी तरह से हावी बने रहने की कोशिश में लगी रहती हैं। लेकिन अब घर में सपना का जलवा चलने लगा है। आने वाले दिनों में भी सपना घर पर पूरी तरह से राज करती नजर आएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।